हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली बुलेटिन गुलबर्गा। सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 के केसेस पर। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज कुल मिला के 199 नए पॉजिटिव केसेस रजिस्टर हुए हैं, साथ साथ 176 डिस्चार्ज और क्योर्ड केसेस, दो नए डेथ्स आज भी शामिल हैं बुलेटिन में। सबसे अहम चीज जो चल रही है कि स्कूल्स रीओपन की बात, यानी कि 9 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट ने सितंबर 21 से शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी कि पार्शली स्कूल्स रीओपन होंगे, लेकिन इसके अंदर एक जो SOP जो होता है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो अब आ चुका है। आइए नजर डालते हैं किस तरह से बच्चे स्कूल जा सकते हैं और किस तरह से स्कूल मैनेजमेंट को तैयारी करनी होगी। सबसे अहम बात है कि टीचर्स, एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स को एंश्योर करना है कि वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, एटलीस्ट 6 फीट से यानी 6 फीट का डिफरेंस रखना चाहिए, यूज ऑफ फेस कवर्स और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए, और जो भी रेस्पिरेटरी के एटिक्यूट्स होते हैं यानी छींकना या खांसना हो तो आपको एटिक्यूट्स फॉलो करना होगा, यानी कि आपको अपने एल्बो में खांसना होगा या तो आप दस्ती में छींकना या खांसना होगा। अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना होगा और स्कूल में या कहीं पर भी आपको थूकने की इजाज़त नहीं है। स्कूल्स को स्पेसिफिकली ये बात की इंश्योर किया जाता है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की वो ज़्यादा तवज्जो दे और साथ साथ बच्चों को एंकरेज करे ताकि वो ऑनलाइन स्टडीज़ करें, और वॉलंटियरली जो स्कूल आना चाह रहे हैं और गाइडेंस लेना चाह रहे हैं टीचर्स के, उसके लिए वो आ सकते हैं। याद रखें 9 से लेकर 12 तक ही ये परमिशन अलॉट की गई। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें रिटर्न कंसर्न दिए जाएंगे पेरेंट्स की और उनके गाइडेंस की तरफ से, और टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही स्टैगर्ड मैनर में, यानी कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे किया जाएगा, और जो स्कूल्स कंटेनमेंट जोन के बाहर है उन्हें ही अलाउ किया जाएगा ओपन करने के लिए। स्कूल शुरू होने से पहले सारे एरियाज, लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स को फुल्ली सैनिटाइज किया जाएगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जो कि जो अदर सैनिटाइजिंग सर्फेसेस होते हैं या टच सर्फेसेस होते हैं उन्हें भी इमीडिएटली सैनिटाइज करना होगा। बहुत सारे मामले हमने इस लिंक के अंदर सारी चीज़ें अटैच कर दी हैं goas.in, जहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा शहर के अंदर आ चुका है फूड जोन प्लस। फूड जोन प्लस एक अहम फ्रेंचाइज आ चुकी है फूड जोन की ही, ये तीसरा ब्रांच है जो कि अब खमर कॉलोनी में ओपन हो चुका है। इसको ओपन करने के लिए नजर मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, साथ साथ एक्स मेयर जनाब सैयद अहमद भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए देखते हैं फूड जोन की इस ओपनिंग के अंदर किसने क्या कहा। बिलखसूस एक चीज़ जो है, नई चीज़ रखी गई है जिसमें जो मछली, समंदर की मछली रखी गई है, जिसमें जो है रेडी टू कुक है, और जो है ले घर पे जाके बनाने की भी जो है मछली रखे हैं, तीतर है, और यहाँ भी जो है जो स्पेस इतनी काफ़ी बड़ी है कि वो लोग भी जो है कस्टमर्स को जो छोड़ेंगे कम से कम 4-4 फीट पे दूर परचेजिंग करने के लिए कस्टमर को अंदर छोड़ा जा रहा है। सुपर मार्केट के गवर्नमेंट के खुद नॉर्म्स भी ऐसे ही बने हैं, उसको ये लोग बराबर फॉलो कर रहे हैं। खाने से लेके पूरा सैनिटाइजर से लेके शैम्पू से लेके आपको जो हर आइटम यहाँ पे जो है यहाँ पे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे मैनेजमेंट और सर्विस माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है, और प्राइसेस भी रिजनेबल प्राइसेस है यहाँ पे माशाल्लाह। यानी ओवरऑल यहाँ पे बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है कि फूड जोन इस जोन खमर कॉलोनी में खुला है, कि हम तो ये चाहते हैं कि ये फूड जोन हर मोहल्ले में खुले। जय कर्नाटका संस्था ने आज प्रोटेस्ट किया DC ऑफिस पर। उनका ये मांग है कि कॉरपोरेशन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक कल्याण मंडप अरेंज किया जाए, यानी कि कल्याण मंडप होना चाहिए सारे लेबर्स या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो लोग शादी करना चाह रहे हैं अपने बच्चों की या किसी की तो 1-1.5 लाख का उन्हें किराया भरना पड़ता है। ऐसे में ऐसे गरीब आदमी कहाँ पर शादी करें। दूसरे लेबर्स कैटेगरीज के लिए या संस्थाओं के लिए कल्याण मंडप्स हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के लिए कोई कल्याण मंडप नहीं है जगह जबकि मौजूद है। आइए देखते हैं इस पर संस्था क्या जो लेबर है काम करने वाले, जो नाली निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, वो सब के लिए एक कल्याण मंडप को बांध के देना बोल के हमारे एक जेके नगर संघ बेड़ी के क्यों बेड़ी के बोलो तो हर इलाके में जो KB इलाके रहने दो, KSRTC इलाके में वो लोग एक लेबर के लिए कल्याण मंडप बने हुए। महानगर का पालिके में बड़ा जगह है, और जो गार्डन का जगह में जो वीरेश कल्याण मंडप, बेल्लाबा का कल्याण मंडप बांध के जो यहाँ पे लेबर वाले को ही 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो इसीलिए महानगर पालिका का तरफ से जो गुलबर्गा का बड़ा सिटी को जो कोई तो ऑफिस आता है तो वो महानगर पालिका का ऑफिस आता है, तो इसीलिए लेबर जो गंदा काम करता, नाली का कचरा का जो काम करता है, वो लोग बच्चे के शादी करने के लिए जो कल्याण मंडप जाते हैं 1,50,000 रुपए मांग रहे, इसीलिए महानगर का पालिका तरफ से कल्याण मंडप हुआ। गुलबर्गा शहर के अंदर चोरी हुई बैटरी शोरूम के अंदर, जहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हुआ। आइए देखते हैं किस तरह का ये नुकसान हुआ, करीब 1.5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं एग्जैक्टली ये बैटरी शॉप के अंदर किस तरह से चोरी हुई और
क्या ये बैटरी ओनर का कहना है? जैसे कि मेरी बैटरी की दुकान है रईस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, लेनेक्स बैटरी बोलते हैं, सामने से शोरूम है मेरा बैटरी का, यहाँ पर पीछे जो है ना स्टोर है मेरी दुकान का, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वो ये करते हैं, ओल्ड बैटरी पार्टीज के जो भी रहते हैं यहाँ पे लाके जो है ना चार्जिंग सर्विस के जो भी रहते बैटरी ला के रख देते हैं यहाँ पे। तो बैटरी जो है ना कल रात में जो है ना मेरा शटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, शटर जो है ना तोड़ के जो है ना ये पूरा जो है ना बैटरी से यहाँ पे दुकान में के पूरे बैटरी खाली करके लेकर गए यहाँ पे, और कंटिन्यू जो है ना अभी तक जो है ना कम से कम एक 8-10 दुकान चोरी हो गई ये महीने में। नुकसान जो है ना कम से कम जो है ना बैटरी का वो ये 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर नुकसान हो गया। अब इसके जिम्मेदार कौन है अभी? डेली बुलेटिन गुलबर्गा वॉज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड डिग्री कॉलेज एंड बाय SS Tegnur PU एंड डिग्री कॉलेज।